रोहित शर्मा काफी ज्यादा गुस्सा दिख रहे जब रोहित शर्मा जो है वो अपने ही चाल में फंस गए। मतलब रोहित शर्मा को समझ नहीं आया कि वो क्या किए भाई, वो पुल शॉट खेलने की क्या जरूरत थी, और वो पुल शॉट खेल के वो जो कैच पकड़ा गया ना वो बहुत ही गंदा लगा यार। मतलब रोहित शर्मा 48 रन पे था और उसको लगा कि वो जो 50 रन है वो छक्के मार के बना लेगा। नहीं चाहिए भाई रोहित शर्मा भाई छक्का, क्यों आप छक्का मारने गए, 50 रन पूरा कर लेते यार, दिल टूट गया यहाँ पे बैठे बैठे एक बंदे का, बताओ। मतलब हर बॉल पे पुल शॉट मारना जरूरी है क्या? कभी कभी जो ओपोनेंट से वो फंसाने के लिए भी वो भाई डालती है बाउंसर है, आपको पुल शॉट समझ गया भाई, मैं आप बहुत बड़े तुर्रम खान हो पुल शॉट मारने में, लेकिन 50 रन तो कर लेते रोहित भाई, और इसी बात के लिए आपको खुद के ऊपर भी गुस्सा आ रहा था। आज देखा रोहित शर्मा काफी ज्यादा गुस्से में थे, काफी ज्यादा, उसको जब वो आउट हुए ना उसको खुद ही बिलीव नहीं हो रहा था कि भाई वो कैसे आउट हो गया, उसको खुद बिलीव ही नहीं हुआ किस तरह वो आउट हुआ यार, वो बॉल कैसे भाई, वो फील्डर को भी वहीं पे खड़ा होना था भाई, फील्डर कहीं और होके खड़ा हो लेता, कम से कम 50 होने देता भाई रोहित भाई का, ये यार मतलब समझ नहीं आया। इतनी अच्छी बैटिंग चल रही थी यहाँ पे, 80 रन पे 0 विकेट, और एकदम से ये लोगों ने भाई यहाँ पे दिमाग का घुमा के यहाँ पे ना नट बोल्ट ढीला कर दिया, बताओ यार दिमाग घुमा के नट बोल्ट ढीला हो गए हमारे यार, रोहित भाई आउट हो गए। और इस बात पे रोहित शर्मा भी काफी ज्यादा गुस्सा थे, अगर आपने देखा होगा जैसे ही रोहित शर्मा आउट हो गए उसको खुद के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आया कि वो क्यों वो शॉट खेले, क्यों उसको वो शॉट खेलने के लिए मतलब मजबूर हुआ वो अपने आप के अंदर, समझ गया पुल शॉट के किंग है रोहित शर्मा, लेकिन पुल शॉट हर बॉल में पुल शॉट नहीं मारा जाता, वो बॉल मतलब 50 रन कर लेते यार, 2 रन मार के हो जाता 50 रन की सेंचुरी भी, तो देखनी है आपकी अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान वाले बैठे भी सेंचुरी देखने के लिए आंखें तरस गए, आज भी सेंचुरी देखने के लिए आंखें तरस गए भाई। हम चाहते हैं कि 2019 में जिस तरह आपने 600 रन मारे थे इसमें वर्ल्ड कप में 800-900 रन मारो, लेकिन हो ही नहीं रहा है, किसी की नजर लग गई रोहित शर्मा को। लेकिन जो भी कहो रोहित शर्मा ने बहुत अच्छी खेली, वो मतलब 7 चौके मारे हैं भाई रोहित शर्मा ने, 7 चौके, और 7 चौके के बाद 2 छक्के भी दिए पुल शॉट पे, वो पुल शॉट को मारा है बाउंसर पे, तो आप कह सकते हो रोहित शर्मा बहुत अच्छे खेल रहे थे। लेकिन रोहित शर्मा को जब वो शॉट मारने के बाद जब आउट हो गए तो रोहित शर्मा काफी ज्यादा गुस्सा दिखे, उसके बाद जो शुभमन गिल था उसके साथ में वो भी थोड़ा आश्चर्य हो गए कि भाई कैसे वो आउट हो गया, मतलब वो बॉल जो था उसको बाउंड्री लाइन के बाहर जाने थी लेकिन वो बॉल बाउंड्री लाइन के अंदर ही रह गया, और जो विकेट के सॉरी विकेट कीपर बोल रहा हूँ मैं भी भाई यहाँ पे मैच देखे पागल हो गया, वो जो बॉलर है उसके भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब वो फील्डर जो है उसके हाथों में जाके बॉल पकड़ा गया और बाद में रोहित शर्मा आउट हो गया, जिसके बाद रोहित शर्मा का रिएक्शन देखने लायक था, वो खुद के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे थे, मेरे को तो लगता है कि ड्रेसिंग रूम में जाके खुद को भाई यहाँ पे पूरा कोस रहे होंगे कि भाई कैसे आउट हो सकता है तू, रोहित कैसे आउट हो सकता है, ये खुद को वो बोल रहे होंगे। लेकिन जो भी हो रोहित शर्मा ने गजब की इनिंग खेली, गजब की पारी खेली, आप कह सकते हो कि आज की पारी रोहित शर्मा ने T20 से भी भयंकर खेली, मतलब T10 वाली जो पारी है 50 ओवर में रोहित शर्मा ने खेल के दिखाया, जिसके बाद रोहित शर्मा का जो फैन था उसको भी थोड़ा बहुत दुखी लगा, जैसे कि मुझे बहुत ज्यादा दुखी लगा।